दोस्तों यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं एक ऐसी जानकारी जो जानकारी सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे आप बीसी सखी हों, चाहे मनरेगा में हों, चाहे पंचायत सहायक हों, या फिर आप कोई भी संविदा कर्मी क्यों ना हों। अगर आप एक उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत देश के निवासी हैं तभी आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों सहारा के बारे में आपने तो सुना होगा। सहारा के करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर आ चुकी है। लॉन्च हुआ रिफंड पोर्टल, 45 दिन के भीतर आपका पैसा आपके खाते में आ जाएगा। सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंगलवार यानी 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिए हैं। इस पोर्टल के द्वारा किस तरीके से आपका पैसा आपके खाते में होगा, इस चीज़ की जानकारी के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। सहारा इंडिया में फंसे करोड़ों निवेशकों के लिए अच्छी खबर यह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार 18 जुलाई को सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च कर दिया है। अब सहारा निवेशक अपना पैसा क्लेम कर सकते हैं और इस पैसा वापसी की प्रक्रिया बहुत आसान हो जाएगी। अमित शाह ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा कि करोड़ों लोगों को पोर्टल पर अप्लाई करने के 45 दिन के भीतर पैसे रिफंड हो जाएंगे। अमित शाह ने और क्या कहा इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। इस पोर्टल का मकसद क्या है इसको भी हम जानेंगे। कितना पैसा आपको मिलेगा इस चीज़ को भी जानेंगे। इस पोर्टल का मकसद सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों में जमा करोड़ों लोगों की मेहनत की कमाई को लगभग 45 दिनों में वापस करना है। अमित शाह ने कहा कि यह पहली बार है जब जमाकर्ताओं को ऐसे मामले में उनका धन वापस मिल रहा है जहां कई सरकारी एजेंसियां शामिल हैं और प्रत्येक ने संपत्ति जब्त की है। शाह ने जमाकर्ताओं को भरोसा दिया कि उनका धन कोई नहीं रोक सकता है और पोर्टल पर पंजीकरण करने के 45 दिनों में उन्हें रिफंड मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा ये हम लोग जान लेते हैं। गृह मंत्री ने कहा कि शुरुआत में जमाकर्ताओं को 10,000 रुपये तक का रिफंड मिलेगा और बाद में उन लोगों के लिए राशि बढ़ाई जाएगी जिन्होंने अधिक निवेश किया है। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का कोष यानी कि धन पहले चरण में 1.7 करोड़ जमाकर्ताओं को राहत देने में सक्षम होगा। बता दें कि सरकार ने 29 मार्च को कहा था कि सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों के करीब 10 करोड़ निवेशकों को 9 महीने के भीतर पैसे लौटाए जाएंगे। यह घोषणा उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के 5,000 करोड़ रुपये सहारा से भी रिफंड खाते में केंद्रीय सहकारी समिति रजिस्ट्रार CRCS को हस्तांतरित करने के आदेश के बाद की गई थी। दोस्तों किस तरीके से ये पैसा मिलेगा और इस पैसे का इस्तेमाल आप कर पाएंगे इस चीज़ की जानकारी मैंने इस वीडियो में आपको दिया है। वीडियो में आगे आपको बताऊंगा किस तरीके से कितना आप मैक्सिमम यानी कि ज़्यादातर पैसा आप ले पाएंगे। बता दें कि सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा समूह की 4 सहकारी समितियों के वास्तविक डिपॉजिटर्स का वैलिड क्लेम करने के लिए सहारा रिफंड पोर्टल CRCS लॉन्च किया गया है। 4 सहकारी समितियों सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में लगभग 2.5 करोड़ लोगों के 30,000 रुपये तक के जमे हैं। यानी कि 30,000 रुपये 2.5 करोड़ों का अगर आप देखेंगे तो बहुत पैसा हो जाएगा। सहारा समूह की इन सहकारी समितियों के पास जमा पैसा निवेशकों को राहत दिलाने के लिए सहकारिता मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय में अर्जी दायर की थी, जिसके बाद शीर्ष अदालत ने इसके दावों को भरपाई के लिए 5,000 करोड़ रुपये CRCS को ट्रांसफर करने का आदेश दिया था और जल्द ही किस तरीके से आपके खाते में पैसे नज़र आएंगे। दोस्तों सरकार इन सभी पैसों को लेकर काफ़ी मशक्कत कर रही और जल्द ही आपके सभी पैसे जो भी आपने निवेश किया था सहारा इंडिया परिवार में वो आपके खाते में जल्द ही पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों निवेदन करता हूं अगर आप बीसी सखी या पंचायत सहायक हैं या फिर आप कोई भी संविदा कर्मी हैं जो ग्राम पंचायत स्तर पे हैं तो आप अपने यहाँ के जितने भी लोग हैं जो भी सहारा में पैसा जमा किए हैं उनको ये जानकारी ज़रूर साझा करें। अगर आप जानकारी साझा करेंगे यकीनन आपके मान और सम्मान काफ़ी बढ़ेगा। निवेदन करता हूं जानकारी अच्छी लगी चैनल को लाइक करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि भविष्य आपको ऐसी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।